हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आनंदी। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे चीज़ के बारे में जो कि आपके रिलेशनशिप में ऐसे काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे तो आज जो हम बात करने वाले हैं मुख मैथुन, ओरल सेक्स या फिर लिंग चूसने के फ़ायदे के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेडीज़ होती हैं और बहुत सारे ऐसे जेंट्स भी होते हैं जो कि पेनिस को चूसने से या फिर मुख मैथुन ओरल सेक्स करने से बहुत सारे उनको जिससे कि हिचकिचाहट होती है, नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये गलत बात है। आज का जनरेशन हो चाहे पहले का जनरेशन रहा हो, इसमें सेक्स को लेकर खुलकर बातें नहीं किया जाता है, क्योंकि गैस ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि इसके बारे में पूरी तरीके से हमें मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें मालूम रहेगा तभी हम अच्छे से कर पाएंगे और अपने पार्टनर को अच्छे से सर्टिफाइड भी कर पाएंगे और उसे अनियमित परेशानी से बचा भी पाएंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर आप कई बार कर चुके हो, भाई अगर आपके जो पार्टनर है, जो गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी जो वाइफ है, अगर आपके साथ अगर नहीं करना चाहती हैं, अगर उनके मन में कोई ऐसी शंका होती है ओरल सेक्स करने के लिए, पेनिस को चूसने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से आप उनके सामने इजीली तरीके से उनको कैसे समझाएं कि ऐसे कुछ भी नहीं होता है और बहुत ही ऐसे फायदे भी होते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नए नए व्यूवर्स आते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा तो नहीं लगने वाला, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो क्या आप लोग मेरा मोटिवेशन ही बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ मोटिवेशन को हमारे बढ़ाइए, वीडियो को लाइक किया करें, जो आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको शेयर जरूर किया करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि पेनिस चूसने के फायदे क्या क्या होते हैं। फायदे नंबर वन कि पेनिस चूसने से जो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है वो पेनिस चूसने से बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे लेडीज़ ऐसे होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, सबको यही लगेगा कि मैं पागल हूँ, ये क्या बड़बड़ा रही हूँ, लेकिन ये हकीकत यही है कि ओरल सेक्स हो, चाहे आप लिंग को चूसने की बात नहीं है, कोई गंदा चीज़ नहीं, लेकिन जिसके भी मन में ऐसे गंदगी पहले से फैल चुकी है उसकी बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा करने से जो है पेनिस में तनाव भी काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है और जो वीर्य की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू हमेशा अपने पार्टनर को जो पेनिस को चूसती हैं, मुख मैथुन करती हैं, ओरल सेक्स करती हैं, तो इससे जो है वीर्य की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है और जो है पेनिस में तनाव भी काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। और दोस्तों माना गया है कि जो महिलाएं पेनिस को चूसती हैं, जो महिलाएं ओरल सेक्स हमेशा करना ज़्यादा पसंद करती हैं, उनके चेहरे की जो अगर झुर्रियाँ हैं तो झुर्रियाँ भी दूर हो जाती हैं, और जैसे कि पिंपल्स हैं या फिर दाग हैं, तो इन सब समस्या बड़ी आसानी से दूर हो जाता है ओरल सेक्स करने से और पेनिस को चूसने से। जो लोग नहीं मानते भैया उनकी बात अलग है, जैसे कि आप अपने बॉयफ्रेंड का चूसें या फिर आप अपने पति का पेनिस को चूसें, लेकिन उसे चूसने से पहले कुछ आपको बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। पहला काम यह है कि लिंग को चूसने से पहले उसको अच्छे से साफ कर लें, हो सके तो आप डिटॉल साबुन का इस्तेमाल कर लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो पेनिस पर जो पीला पदार्थ होता है या फिर जो वहाँ पे पसीना होता है पेनिस पे ना होता है, उससे जो हानिकारक बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं जो कि मुंह में जाने की वजह से वहाँ पर आपको बहुत सारी समस्याएँ, संक्रमण बीमारी भी हो सकती है। तो मतलब कि साफ करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत ही अजीब फील आता हो, तो आप नेचुरल कंडोम या उसी फ्लेवर का कंडोम लेकर आप अपने पेनिस पर इस्तेमाल करें। और पेनिस पर कंडोम लगाने के बाद भी आप मुख मैथुन कर सकती हैं, ओरल सेक्स कर सकती हैं, पेनिस को चूस सकती हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आप अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगी और पेनिस को अच्छे से टच भी कर पाएंगे अपने मुख से, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ऐसे करने से जो है सेक्स की टाइमिंग भी बढ़ जाती है।